प्रिय साथियों, आज हम पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। सर्वप्रथम आइए देखें कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। यह है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि कार्डबोर्ड, रंगीन चार्ट पेपर, रूलर, कैंची, सेट स्क्वायर, परकार, पेंसिल, रबड़। अब प्रारंभ करने के लिए आइए एक समकोण त्रिभुज खींचें। यहाँ हम भुजाओं AB, BC और AC वाला एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। यह कोण A है, जो एक समकोण है। यह कोण B और कोण C है। इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। अब अपनी प्रमेय के सत्यापन करने के लिए हमें त्रिभुज ABC की भुजाओं पर वर्ग बनाने की आवश्यकता है। हम कोण A के सम्मुख भुजा को A से, कोण B की सम्मुख भुजा को B से तथा कोण C की सम्मुख भुजा को C से व्यक्त करते हैं। अब अपना परिणाम सत्यापित करने के लिए हमें लंबाई A की भुजा BC पर एक वर्ग की रचना करने की आवश्यकता है। हम इस वर्ग की रचना करते हैं तथा हम देखते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल A का वर्ग है। इसी प्रकार हम भुजा AC पर वर्ग खींचते हैं, जिसकी लंबाई B है। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यह B का वर्ग होगा। इसी प्रकार हमारे पास लंबाई C की एक भुजा है। यहाँ हम लंबाई C वाली भुजा पर एक वर्ग की रचना करते हैं। यह हमारा तीसरा वर्ग है, जिसका क्षेत्रफल C का वर्ग है। हम इन वर्गों के कटआउट भी तैयार करते हैं। यह कटआउट क्षेत्रफल A का वर्ग वाला वर्ग है। यह कटआउट क्षेत्रफल C का वर्ग वाला वर्ग है और यह भुजा B वाले वर्ग का कटआउट है, जिसका क्षेत्रफल B का वर्ग है। इसे AC के अनुदिश रखा गया है। अपनी प्रमेय सत्यापित करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए, पहले हम विकर्ण AI को इस प्रकार मिलाते हैं और फिर हम HB को भी मिलाते हैं। यह भी एक विकर्ण है तथा ये दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सेट स्क्वायर की सहायता से हम कर्ण के समांतर एक रेखा खींचेंगे। यह RS है, जो कर्ण के समांतर है। यह हमारा कर्ण BC है तथा जिसके समांतर एक रेखा खींचने के लिए हमें पहले सेट स्क्वायर को इस प्रकार सरकाते हैं। हम O से होकर एक रेखा खींच सकते हैं। यह रेखा RS कर्ण BC के समांतर है। अब हम इस प्रकार एक रेखा PQ रेखा PS पर लंब खींचते हैं। आइए देखते हैं कि RS और PQ दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमें चार चतुर्भुज प्राप्त हो गए हैं, जो
पी आई आर ओ आर वी क्यू बी ओ एस ए और ओ एस एच पी है। फिर हम ऐसे इन चतुर्भुजों के कटआउट तैयार कर लेते हैं। यह पहला चतुर्भुज है, यह दूसरा चतुर्भुज है, यह तीसरा चतुर्भुज है तथा यह चौथा चतुर्भुज आ रहा है। अब अपने परिणाम को सत्यापित करने के लिए हमें इस वर्ग अर्थात बी का वर्ग और इन सभी चतुर्भुजों को बड़े वर्ग पर अर्थात बी सी एफ जी पर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हम ऐसा कैसे करते हैं? पहले हम क्षेत्रफल बी का वर्ग वाला कटआउट उठाते हैं और इसे बीच में इस प्रकार रखते हैं। अब हम इन चारों टुकड़ों को इस प्रकार रखते हैं कि ये वर्ग को पूर्ण रूप से ढक ले। यह तीसरा चतुर्भुज है, ये चौथा चतुर्भुज है। हाँ, आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाओं पर बने वर्ग मिलकर कर्ण पर बने वर्ग के बराबर है। ये चारों चतुर्भुज और वर्ग पूरे रूप से वर्ग बी सी एफ जी को ढक लेते हैं, जिससे हमारे परिणाम की कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है का सत्यापन हो जाता है। धन्यवाद।